इन सब लाशों को ले जाओ और इन्हें दफनाने का इंतजाम करो। खुदा का कैसा कहर बरपा है, तेरे सारे साथी मर गए, एक मुसाफिर के लिए इससे बड़ा अजाब और क्या होगा, उसके सारे साथी चल बसे। देखो जिंदगी और मौत पर किसका बस चला है, माना तुम आगरा के नहीं हो पर इंसान तो हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर मुझे एक बात बताओ, क्या वाकई इसी कुएं का पानी पीने की वजह से तुम्हारे दोस्तों की जान गई है? इससे पहले ये सब अच्छे भले थे, जैसे उन्होंने पानी पिया वो तड़पने लगे, मैं भी पानी पीने ही लगा ताकि इनकी हालत देख के मैं रुक गया। पिछले हफ्ते जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने भी पानी पिया था, अब तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये बात छोटी नहीं है, कुएं का पानी ऐसा जहरीला नहीं होता, जरूर ये दुश्मनों की साजिश है, उन्होंने कुएं में जहर मिलाया होगा। कुतवाल होने के नाते ये खबर मैं सहनशाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। आखिर रियाया की जिंदगी जो सवाल है, आज ये कुआं जहरीला हुआ है कल कोई दूसरा होगा, ये बात सहनशाह तक जानी चाहिए। ये बात जानी चाहिए, ये बात सहनशाह तक जरूर जानी चाहिए, जरूर। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अस्सलामुअलैकुम मम्मी जान। खुश रहो बेटा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत सोचने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बार तुम्हें जोधा बेगम की बात पर गौर करना चाहिए। मम्मी जान हम हर वक्त जोधा बेगम की हर बात हर हरकत पर नजर रखते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें हमारा बेनजीर से निकाह पसंद क्यों नहीं है। पूरी सल्तनत में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन जोधा बेगम हर बार हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी होती हैं और कुछ अजीब ही हरकत करती हैं। तो क्या जो जोधा बेगम ने देखा वो गलत था? अम्मी जान क्या आपने देखा, क्या हमने देखा? नहीं ना, उसके बावजूद हमने जोधा बेगम की बात पर यकीन करके सबके सामने बेनजीर से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा और उन्होंने सबूत दिया, उसके बाद क्या हुआ, जोधा बेगम गलत साबित हुई। फिर भी हम कहेंगे कि एक बार तुम सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि जोधा बेगम को नजरअंदाज करने की वजह से हमें बाद में पछतावा हो। अम्मी जान हम आपके जज्बात समझ पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हम मरूम जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब के बेटे हैं, कि हम मलिका यासम अमीरा बानो मरियम मकानी के बेटे हैं और हमारे वालिदैन ने हमें इतना ताकतवर बनाया है कि हम किसी भी खतरे से खेल सकते हैं। इसलिए आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप बेफिक्र रहिए अम्मी जान, हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, अगर सोचा जाए तो कुएं का पानी अपने आप जहरीला नहीं हुआ है, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है, उसे जानबूझकर जहरीला किया गया है। शत्रु तो आपकी एक ही है, बेनजीर। जरा सोचिए शहंशाह, बाजार में सब लोग कह रहे थे कि जब से बेनजीर इस कुएं में कूदी है उसके बाद से वो पानी विषैला हो गया है। आप तो अब भी नहीं मानेंगे ना कि वो एक विष कन्या है? तो आपने ये बात बाजार में सुनी थी कि बेनजीर उसी कुएं में कूदी थी, आप एक बात बताएंगे जोधा बेगम कि आप बाजार में क्या कर रही थी? वो हम कहिए जोधा बेगम, सफाई दीजिए अपनी। हम मंदिर जा रहे थे और रहीम ने खिलौने के लिए हट कर दी, इसलिए हमें वहां पर रुकना पड़ा। चलिए मान लेते हैं कि बेनजीर की वजह से कुएं का पानी जहरीला हुआ है, लेकिन अब तक ये बात साबित नहीं हुई है जोधा बेगम। बाहर अदम खान और अदगा साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हमारे पास भेजा जाए। अदगा साहब, जिस कुएं का पानी जहरीला हुआ क्या आपने उस बारे में कोई तहकीकात की? जी हुजूर, आदम खान खुद गए थे वहाँ जांच पड़ताल करने। और हाकिम साहब से पड़ताल करवाइए, पानी जहरीला था उसी की वजह से कुछ लोग मरे, हमने उस कुएं को ढकवा दिया है। बहुत खूब, लेकिन क्या अब तक ये बात साबित हुई है कि इस कुएं का पानी जहरीला क्यों हुआ है? कुएं से कई मरे हुए सांप बरामद हुए हैं, पानी में जहर उन्हीं की वजह से फैला है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं और उस इलाके में एक नया कुआं खुदवाया जाए।
एक बार फिर आपने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अब तो आपने भी सुन लिया है कि उस कुएं का पानी सांपों के मरने की वजह से जहरीला हुआ है, और आपने कितनी आसानी से बेनजीर पर इल्जाम लगा दिया। सच बताइए जोधा बेगम, क्या आप उससे इतनी जलन रखती हैं? आपकी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया जोधा बेगम। मान गए बेगम जोधा, मान गए। इंसान की सही पहचान करने का गजब का हुनर है आप में। आज ये बात हम पर भी साबित हो गई। हुजूर, गुलाम आपका हमेशा वफादार रहा है। कुएं के पानी में सचमुच जहर है। कौन सा कुआ? हुजूर, दरगाह के पास वाला, जिसमें शहंशाह की खास कनीज दो दिन पहले डूबते डूबते बची थी। हुजूर, अगर वक्त रहते आपने कुछ नहीं किया तो कहर मच जाएगा। आप इस मामले में दिलचस्पी लेकर कोई कदम उठाइए, तभी रियाया की नजरों में आपका कद भी बढ़ेगा और आपका रुतबा। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या और कैसे करना चाहिए। हम अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। आप जाइए, हम संभालेंगे। बेनजीर, जहरीली दोशीजा। अम्मी जान, आपको हमेशा लगता है कि आदम खान अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस बार हमारे पास तुरप का इक्का लग गया है। अम्मी जान, तुरप का इक्का। इसमें कोई शक नहीं है कि बेनजीर एक जहरीली दोशीजा है। कुएं का पानी उसी की वजह से जहरीला हुआ था, ये बात सच है। अब ये जहर जलाल की मौत का सबब बनेगा। आप राजवंशी हैं, इस तरह हार नहीं मान सकती। और फिर जिन काना की आप पूजा करती हैं, उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि हमारे हाथ केवल कर्म करना है, फल अपने आप मिल जाएगा। अब बस एक उन्हीं का आसरा है हमें। और अदगा साहब, हमें उम्मीद है जो काम हमने आपको दिया था वो निकाह से पहले हो जाएगा। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ जोधा बेगम? आज आप कुछ कह नहीं रही हैं, कोई ताना नहीं मारी, कोई शिकायत नहीं कर रही हैं। चलिए हम कुछ कह देते हैं। हमने आपके होजरे में तोहफे रखवाए हैं। भेंट? हमें किस उपलक्ष में भेंट दे रहे हैं आप? वो तोहफे आपके लिए नहीं है जोधा बेगम, वो बेनजीर के लिए। हमारा निकाह हो रहा है बेनजीर के साथ, और रिवाजों के मुताबिक हमारी हर बेगम को उन्हें कोई ना कोई तोहफा देना होगा। अब जाहिर सी बात है, आप तो उनके लिए तोहफे लाए नहीं हो, इसलिए आपकी जगह हम नहीं तोहफे मंगाती हैं। बस आपको उन्हें अपने हाथों से वो तोहफे देने होंगे। हम कोई भेंट नहीं देंगे उस विषकन्या को। उसे मिलना चाहिए तो बस दंड, आपके प्राण लेने का प्रयास करने के लिए। हम जानते हैं कि आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, परंतु शहंशाह, हम अच्छी तरह जानते हैं जोधा बेगम कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। क्योंकि आप बेनजीर से चलती हैं, लेकिन ये चलन हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि आपने हमें कभी अपनाया ही नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं हम बेनजीर। अब तो आगरा से भागना भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद आदम खान हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं जकीरा, हमारा नसीब हमारे साथ है, क्योंकि आदम खान वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो? शहंशाह की मौत के फौरन बाद हम अबुल मालिक को भी खत्म कर देंगे। राजीव, शहंशाह का कत्ल होते ही 100 लोगों के साथ जाकर कैद खाने पर धावा बोल देना, और अबुल मालिक को खत्म कर। शहंशाह को खत्म करना चाहते हैं वो? पर सुनाए, वो तो शहंशाह के दूध भाई हैं। तक के लिए सगा भाई भी दुश्मन बन जाता है, दूध भाई तो दूर का रिश्ता होता है। इसीलिए उन्होंने हमें रोका नहीं, क्योंकि हम उन्हीं का काम आसान करने जा रहे हैं। आदम खान तख्त की लालच में अपने भाई शहंशाह जलाल को मारना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।